नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत। सबसे पहले तो जो 3 दिन अनुपस्थिति रही इस मंच से, उसके लिए क्षमा याचना। और ये इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके वश में नहीं होती हैं, वरना पिछले 3 दिन ऐसी राजनीतिक गहमा गहमियों के गुजरे हैं कि उन पर हम लोग मिलकर के बहुत अच्छे और ठीक तरीके से विश्लेषण कर सकते थे और आप लोगों तक उनको पहुंचा सकते थे। लेकिन चलिए, जो विधि को मंजूर है उसी के अनुसार आपको काम करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। तो धीरेन्द्र पुंडीर को जोड़ लेते हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ अनुपम मिश्रा भी जुड़ेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। तो धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और इस समय की सबसे बड़ी खबर एक्चुअल में ये है, जिससे हम प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं, वरुण गांधी का टिकट काट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनकी जगह जितिन प्रसाद, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनको लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। वरुण गांधी की माताजी को जरूर सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है, पर जो और हाईलाइट है, जिनको मैं बड़ी खबर मानता हूं, वो है कि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, जो गाजियाबाद से चुने गए थे पिछली बार और अच्छे मार्जिन से चुने गए थे, उनका टिकट काट दिया गया है। और कुल मिलाकर के वेस्ट यूपी में 3 ऐसे टिकट काटे गए हैं जो राजपूत समाज से आते हैं। ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया गया है, सहारनपुर से राघव लखनपाल को बनाया गया है, मेरठ लोकसभा क्षेत्र से राजेंद्र अग्रवाल की जगह, जिनको आप लोकसभा में अक्सर स्पीकर के स्थान पर चेयर करते हुए देखते थे, राजेंद्र अग्रवाल, वो पिछली बार उनको थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा था, तो इस बार उनकी जगह रामायण में राम का किरदार निभाने वाले और मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। एक और चौंकाने वाला फैसला मैं इसे मानूंगा कि मंडी से कंगना रनौत को मैदान में उतार दिया गया है। तो इन सब चीज़ों पर तो चर्चा करेंगे ही, इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि बहन जी यानी मायावती ने जो लिस्ट जारी की है, आज पहली लिस्ट 16 उम्मीदवारों की और दूसरी 7 उम्मीदवारों की, तो उसके पीछे उनकी सोच क्या है, उनका गणित क्या है, और क्या वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी। तो सबसे पहले तो धीरेन्द्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है, ये 5वीं, इसमें ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश में ये बड़े फेरबदल दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वरुण गांधी या तमाम चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि अब लोग जो है बीजेपी को एक्सपेक्ट करने लगे, बीजेपी लीडरशिप के फैसलों को मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे हैं। और ये एक उनके नेताओं के लिए मुझे लगता है, या तो चिंता की बात हो या जो भी बात उनके लिए हो, वो जैसा भी इसको राजनीतिक तौर पर देखें, लेकिन अभी तक उनके फैसले कम से कम पढ़े नहीं जाते थे, ये तो तय था कि जब वो करते थे। जैसे अरुण गोविल का नाम कई दिनों से गूंज रहा था, आप देख रहे थे, अरुण गोविल का नाम गूंज रहा था, वीके सिंह का टिकट कटेगा ये गूंज रहा था, वरुण गांधी कटेंगे टिकट के वो भी गूंज रहा था, और सुल्तानपुर से वो जो इस तरह से उनका टिकट बचने की बात थी कि मेनका जरूर लड़ेंगी, तो वो लगभग हुआ है। उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मुझे लगता नहीं है कि चेंज होने की बात हो रही है, वो देखा जा रहा था। चूँकि वीके सिंह का किस आधार पर काटा है ये बहुत मायने मुझे नहीं लगता कि इस वक्त रखेगा, क्योंकि
चाहे आप अरुण गोविल को ले आएंगे और आप सोचेंगे कि वो जनता से जुड़ा हुआ चेहरा है और यह जनता के लिए काम करेगा, तो इस बात पर सिर्फ हंसा जा सकता है। बेसिकली कहानी तो यही है, क्योंकि चुनाव पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, तो इसीलिए वो अरुण गोविल को दे दें, कंगना रनौत को दे दें या किसी को भी दे दें, वो टिकट की लड़ाई में है, वो जीत के उस पर है। लेकिन ये टिकट वो जरूर बताते हैं कि बीजेपी के अंदर भी लगभग लगभग वही सिचुएशन दिखने लगती है जो इतने दिन तक किसी पार्टी के सत्ता में रहने के बाद इस तरह के हालात में दिखने लगती है। क्योंकि लोग जो हैं इस पर बात जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, जीत जाएंगे क्योंकि पार्टी इस समय नरेंद्र मोदी के चेहरे और योगी के काम पर है। लेकिन आप ये मैसेज जरूर पढ़ेंगे जो वीके सिंह के जाने से सहारनपुर तक के बीच का मैसेज है, ये वो बेल्ट है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आप पिछली बार सहारनपुर हारे थे, मेरठ में 6,500 से जीते, 4,500 या कितने से जीते थे, और उसी तरह से आप मुजफ्फरनगर में भी उतने ही वोटों से जीते थे। तो आप जो है सीटों के साथ एक सिक्का उछाल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बीजेपी लीडरशिप के बहुत अच्छे टिकट वितरण नहीं है, लेकिन चूंकि अभी वो सत्ता के घोड़े पर सवार हैं और उनके साथ लोकप्रियता है और लोगों को जो कि इनके कामों से ज्यादा दूसरी पार्टियों के किए गए कामों की याद है, उनका उनका खौफ है अभी तक लोगों के जहन में कि ये नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, तो इसीलिए आप इन टिकटों को उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरी नजर से, क्योंकि ये बहुत अच्छे टिकट नहीं है। मैं ये साफ तौर पर कह सकता हूँ कि इनमें कोई बहुत ज्यादा, ज्यादातर टिकट तो राघवन लखनपाल, आप वही चेहरा वही आप रखे हुए हैं, वही लगातार जिस खानदान की आप बात करते रहते हो, रात दिन बोलते हो, तो वही वहां दिखता है। आप वहां से नीचे तक चले आइए, टिकटों को एनालाइज करते चले आइए, तो सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और मुख्यमंत्री योगी का काम, किसी को भी टिकट दे देंगे वो चलेगा, उस वाली हालत ये लिस्ट तो यही बताती है। अनुपम जी बहुत स्वागत है आपका। मैं दो सवाल आपसे इकट्ठा करूंगा, ये आपका पनिशमेंट भी है कि आप 5 मिनट देर से आए हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या मोदी जिसकी तारीफ करते हैं समझ लो कि उसका झटका होने वाला है? अभी मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की थी पहले ही दिन और दूसरे दिन उनका झटका हो गया। बहुत समय नहीं गुजरा है जब वीके सिंह की उन्होंने कई मामलों को लेकर के बड़ी तारीफ की थी के साहब विदेशों में जब जब संकट आए हैं तो वो तारणहार बन करके जो वहाँ गए और उस संकट में फंसे ना केवल भारतीयों को बचाया बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी सफलतापूर्वक निकालने में कामयाबी हासिल की। और देखिए वीके सिंह का टिकट कट गया। वीके सिंह ने ऐसी क्या खता की थी कि उनका टिकट कट गया, या उनको लेकर के मोदी जी के दिमाग में कोई और प्लानिंग होगी? हाँ, पहले तो सर देर से आने के लिए क्षमा, कुछ होली का माहौल है। और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी बहुत रेयरली किसी का नाम लेते हैं, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। जनरली वो इश्यूज की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, और ना पक्ष में ना विपक्ष में ना सरकार में वो जल्दी किसी का नाम लेके ना क्रेडिट देते हैं ना ब्लेम देते हैं। अभी जो दो किस्से आपने गिना है तो मैं यही मान सकता हूं कि वो पहले से कंसोलेशन देने लगते हैं कि साहब उनका अपना एक कहने का अंदाज होता है कि मैं जिन लोगों को हटा रहा हूं उनको खराब परफॉर्मेंस के जरिए नहीं हटा रहा हूं, हम इनसे संतुष्ट हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद भी अगर हटा रहे हैं तो हमारी अपनी कोई संगठन की कोई नीति होगी, कोई तरीका होगा। शिवराज सिंह चौहान को आप देखें, जब उन्होंने हटाया तो कुछ लोगों ने कहा कि देखिए आपने उनकी पारी खत्म कर दी, पर उन्होंने पारी नहीं खत्म की, ना सिर्फ उनको केंद्र में ला रहे हैं बल्कि आप देख रहे हैं साउथ इंडिया में कैसे लगातार शिवराज सिंह दौरे कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं कहूंगा कि एक 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 संगठन से निकली हुई पार्टी है वो, आप ऐसा नहीं है, बहुत देखिये ज्यादातर पार्टियों में क्या होता है कि पार्टी बनती है फिर उसके नीचे पद संगठन बनता है, यहाँ पहले संगठन था उसके ऊपर पार्टी है, और बेस संगठन आज भी इनका आरएसएस है, इसको कोई कितना भी डिनाई करे ये सच है।
आप, मैंने देखा है कि जिस तरह पार्टी में आरएसएस में संगठन मंत्री के नाम पे और तमाम पदों पे भाजपा में सॉरी आरएसएस के लोग आते हैं और फिर वो अपना एजेंडा चलाते हैं, तो आप उन्हें, आप अगर उनके पक्ष के हैं तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप विपक्ष के हैं तो आपको बुरा लगेगा। पर भारतीय जनता पार्टी आज भी आरएसएस में रूटेड है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अभी हाल में एक विपक्ष से आए हुए एक नेता जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, बड़े नेता, मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कि साहब आपको अभी क्या अंतर समझ में आया भाजपा में आके, तो उन्होंने कहा साहब अभी तक मैं जिस पार्टी में था उसमें सारे फैसले एक कमरे में एक सिंगल आदमी दो चार अपने नवरत्नों के साथ मिलकर ले लेता था, और अब जब मैं जिस पार्टी में आया हूँ मैं थोड़ा सा, मेरी आंखें फटी हुई है, मैं क्या हो गया साहब। उन्होंने कहा यहाँ तो साहब एक एक सीट पे, एक एक आदमी पे, पक्ष पे विपक्ष पे फाइलें हैं, डॉजियर्स हैं, रिसर्च है, कितने कितनी सर्वे रिपोर्ट है, कैसे कैसे बहस होती है एक एक नाम पे, एक एक सीट पे। क्या साहब ऐसा लगता है कि कोई एक बहुत एक लिमिटेड कंपनी में हम काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक एक पॉइंट, तो आप इसको समझें कि वो पार्टी से उपजा हुआ संगठन नहीं, संगठन से उपजी हुई पार्टी है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी खट्टर साहब के बारे में बताते हैं, अपनी दोस्ती का जिक्र करते हैं, अपने अपने 50 साल पुराने संबंधों का जिक्र करते हैं, और तो वो मूलतः ये बताते हैं कि अगर हम कल खट्टर को हटाएं तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं खट्टर को या वीके सिंह को उनके परफॉर्मेंस की वजह से हटा रहा हूँ। मैं उनको इसलिए नहीं हटा रहा हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया है या फिर उन्होंने कोई गलत परफॉर्मेंस दी है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बस पार्टी उनका रोल बदलने जा रही है, पार्टी उनके अपने संगठन में भूमिका बदलने जा रही है। और ऐसे मैं मान सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये अपना एक तरीका है, खास तौर से अच्छा क्या खता की थी इसमें, मैं मानता हूं कि साहब अक्सर करके बीजेपी में एक बात कही जाती है कि साहब आप अगर आप कहीं से जीते हैं, मानिए आप सांसद हैं, तो अपने क्षेत्र के विधायकों को साथ रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपने विदेशों में बहुत अच्छा किया हो पर अगर अपने क्षेत्र के विधायकों को आप अपने साथ नहीं रख पाए तो ये कहीं ना कहीं सांगठनिक स्तर पे आपकी कमजोरी मानी जाती है। और एक एक ठीक है, आपने एज ए मिनिस्टर बहुत अच्छा किया और एक सांसद के रूप में भी आपने बहुत अच्छा किया, पर एक जननेता के रूप में अगर आप अपने विधायकों को अपने साथ नहीं रख पाए हैं तो फिर ये उसका आपका एक आकलन उसी पे होता है और इसी के चलते तमाम डिसीजंस लिए जाते हैं। बाकी मैं धीरेन्द्र पुंडरी साहब से एकदम सहमत हूँ। अभी थोड़ा सा मैं हमेशा एक बात कहता था कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है 400 सीटों की पर नजर रखती है 272 पे। उनको हमेशा वो खौफ रहता है कि हमारे साथ 2004 रिपीट ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार नहीं है, लेकिन अभी हम जब टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो कहीं कहीं वो अति आत्मविश्वास झलकता है। उसे टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन में ही नहीं झलकता है, चुनाव की पूर्व संध्या पे केजरीवाल की गिरफ्तारी भी अति आत्मविश्वास दिखाती है। देखिए ये जो आत्मविश्वास है ये ज्यादा साबित होगा या कम साबित होगा, सही साबित होगा या गलत साबित होगा, ये तो साफ फैसले के दिन दो दिन को पता चलेगा आपको। लेकिन आप चुनाव के पहले अगर एक विपक्ष के बड़े नेता को जेल भेजते हैं तो जाहिर सी बात है आप ये मान के चलते हैं कि इससे हमारे हमारी परफॉर्मेंस पे या इससे हमारे चुनावी नतीजों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप चुनाव के ठीक पहले एजेंसी से लगातार रेड करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मान के चलते हैं कि विपक्ष अगर विक्टिम कार्ड खेलेगा तो उससे हमारी भूमिका पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। और ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास है, ओंकार जी मैं मानता हूं कि हम तीनों इसको इसके जज नहीं हो सकते, इसकी जज जनता ही होगी और ये फैसले एक दिन समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है धीरेन्द्र जी। दो और घटनाओं ने मुझे चौंकाया है, एक तो सीता सोरेन को दुमका से टिकट, वो अभी दो तीन दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आई है, बल्कि दो दिन पहले आई है,
वहाँ ऑलरेडी टिकट घोषित हो चुका था, सुनील वहाँ के प्रत्याशी बनाए जा चुके थे। और दूसरा जो फैसला है वो मुझे चौंकाता तो नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर बताता है कि भाई होंगे किसी बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले आप, पर पार्टी संगठन और अनुशासन से ऊपर कोई नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी में। वरुण गांधी को क्या इसलिए दंड मिला कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भीतरघात भी किया था, उनकी ऑडियो भी पकड़ी गई थी और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे और अखबारों में कॉलम भी लिख रहे थे? देखिए, एक बात तो साफ है कि वरुण गांधी को टिकट मिलने की उम्मीद तो सिर्फ इस बात पर थी कि शायद बीजेपी सबको चौंकाती है तो इसलिए फिर दे के चौंका दे, वरना हर आदमी ये मान के चल रहा था कि वरुण गांधी जिस लेवल तक चले गए थे राजनीति में, कुछ किसी भी पार्टी में हो वहाँ कुछ सीमा रेखाएं तय होती हैं। मसलन आप जिन्ना को सेकुलर नहीं कह सकते हैं, नहीं तो आपको जाना होगा चाहे आप कितने भी बड़े हों। उसी तरह से आप देश के प्रधानमंत्री को हर एक मुद्दे पर अपने कमरे में रखे हुए किसी एक खिलौने की तरह रोज पंचिंग बैग नहीं मान सकते। वो प्रधानमंत्री जिसके पीछे जनता एक मुश्त होके खड़ी है, कम से कम पिछले दो चुनाव जो लोकसभा के हैं और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में ये साबित हुआ है। तो वरुण गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, वरुण गांधी ये समझने से मुझे लगता है कई बार चूक जाते हैं कि गांधी परिवार में वो ब्लड लाइन में तो होते हैं लेकिन वो गांधी परिवार की जो पॉलिटिकल लीगेसी है उसमें नहीं आते हैं। तो लिहाजा अगर वो दूसरी पार्टी में जाकर जहां काडर बेस पार्टी होने का जो दावा किया जाता है, और वो नहीं भी हो तो भी वहां एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है जिसकी बात उनकी पार्टी और उनके समर्थक आंख मूंद कर मानते हैं, उनको आप रोज खींच रहे थे यहाँ तक कि किसानों के मुद्दे पर या उस पर, उस समय लगा गया कि शायद राजनीतिक प्रेशर होगा पीलीभीत और तमाम उनके उसमें जो किसानों का वो हुआ, लेकिन जिस तरह से वो बाकायदा टारगेट कर रहे थे उसमें नहीं लग रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा। हालांकि अंदर खाने ये बात थी कि मेनका गांधी इस बात को प्रेस कर रही थी कि उनको टिकट दिया जाए, बशर्ते उनका टिकट चाहे मेनका गांधी को ना दिया जाए, लेकिन पार्टी ने शायद एक ही टिकट देने की बात की और उसमें फिर मेनका की मजबूरी थी कि वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑब्सोल्यूट नहीं करना चाहती हैं, लिहाजा उन्होंने उसको स्वीकार किया। और वरुण गांधी का जो चार पर्चे खुद से खरीद लेना नॉमिनेशन के लिए, उसके लिए ये पार्टी को और एग्रेसिव जवाब था, मतलब आप उनको ये कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कॉर्नर होते नहीं, आकर वापस अटैक करते हैं और वो जितना दो कदम पीछे हटते हुए दिखते हैं तो वो एक लंबी छलांग के लिए हटते हैं। तो लिहाजा ये जवाब उनको तय था, मिला। दुमका से दूसरा कारण है, दुमका से सीता सोरेन को लाने का एक फैसला ये भी है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अब वहां से शिबू सोरेन नहीं लड़ेंगे जहां तक कि वो पूरी है, वो इनकी एक बेसिक सीट है, घरेलू सीट है, जिस तरह से हम यहाँ मानते हैं कि ये जो अमेठी रायबरेली है वहाँ दुमका गिरिडीह ये सब सीटें उनके पर्सनल जो समर्थक हैं उनके साथ जुड़ी हुई आवाज की सीट है। तो सीता सोरेन को वहाँ एक सोरेन परिवार की उस बहू के तौर पर जो अपने साथ अन्याय का बदला लेना चाहती है, क्योंकि दुर्गा सोरेन जो है हेमंत सोरेन से पहले राजनीतिक उत्तराधिकारी थे और उन्होंने इस पार्टी के लिए अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। तो मुझे लगता है कि वो एक फैसला, हमको भी ये लग रहा था कि दुमका से ही उनको टिकट दिया जाएगा, लिहाजा उनको लाया गया। और एक इमोशनल कार्ड होता है जो कम से कम आदिवासियों के बीच में जो वोटर्स हैं और वहाँ बहुत बड़ी तादाद है उनके अंदर प्रधानमंत्री मोदी का एक जो है बहुत उस तरह का एक इमोशनल पत्ता है जिसको उन्होंने सही समय पर खेला है और आदमी तक भेजा है। तो मुझे लगता है दुमका के लिए भी क्लियर था और पीलीभीत भी ये तय था कि वहाँ उनको नहीं मिला। अब ये देखना होगा, वरुण गांधी जो है निर्दलीय लड़के सबका समर्थन लेते हैं या फिर ओपनली समाजवादी पार्टी में जहाँ जाने के बाद उनके पास कुछ कहने के लिए होगा नहीं होगा वो पार्टी, क्योंकि फिर भी आप कांग्रेस से निष्कासित हुए तो आपने मतलब आपके परिवार को कांग्रेस की लाइन से अलग किया गया तो आपने एक दूसरी नेशनल पार्टी में हिस्सा लिया,
अब आप रीजनल पार्टी में जाके दोयम दर्जे की भूमिका निभाना चाहेंगे या निर्दलीय लड़के आप वापस अपने आप को राजनीतिक फोरा पे इस्टेब्लिश करके आगे ऑप्शन ढूंढेंगे, ये देखने की बात है बस। अनुपम जी एक टिप्पणी जरा इस पर भी करिए, पहले भी रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल के कई पात्रों को मैदान में उतारा गया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, लेकिन उनकी एक तो संसद में उपस्थिति और एक उनकी कुल मिलाकर के जो भूमिका रही है कम से कम संसद के पटल पर वो तो बहुत संतोषजनक नहीं रही है, मोस्टली वो विफल रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि रावण जी को भी, सीता जी को भी, कई पात्रों को जो है पहले भी दिया गया, महाभारत के जो कृष्ण बने थे उनको भी लाया गया था, अब अरुण गोविल को लेकर के आए हैं मेरठ से, कंगना रनौत को लेकर के आए हैं मंडी से। कंगना रनौत का एक पॉइंट मेरे दिमाग में ये आता है कि वो बॉलीवुड के भीतर बहुत मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी का पक्ष लेती रही हैं, बहुत मुखर होकर के बोलती रही हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है उनकी मुखरता पसंद ना आई हो, लेकिन ये वो बॉलीवुड है जिसमें या तो वामपंथियों का बोलबाला रहा है या फिर एक खास तरह की विचारधारा का रहा है, और जो प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते रहे हैं, जो पाकिस्तान परस्त ज़्यादा हैं, जो अंडरवर्ल्ड को ज़्यादा प्रमोट करने वाली फिल्में बनाते हैं या गंदगी ज़्यादा परोसते हैं, वहाँ पर अगर वो ड्रग्स के खिलाफ और जो गैंगअप होते हैं वहाँ के ये तमाम घराने, उनके खिलाफ अगर मुखर हो रही थी तो एक संदेश है मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, कि ऐसे कलाकार, ऐसे लोग जो वहाँ पर मजबूती से खड़े हैं हमारे साथ, हम उनको मजबूती प्रदान करेंगे। और ये अरुण गोविल वाले मसले पर भी, पुकार जी देखिए, सिर्फ बात टिकट देने की नहीं है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने वैजयंती माला को सम्मानित किया। वैजयंती माला कहीं से चुनावी राजनीति में नहीं आने जा रही है। वैजयंती माला फिल्में नहीं कर रही हैं। वैजयंती माला सोशली एक्टिव नहीं है। वैजयंती माला इस उम्र में, वो 90 पहुंच रही है और इस उम्र में उनका दुबई में गोल्फ खेलते हुए फोटो आता है। लेकिन वैजयंती माला ने अपने कुछ एक भारतीय कल्चर से जुड़े हुए रूट्स हमेशा उनको दिखाया है और उन पे नाच किया है, जैसे वो एक नृत्यांगना रही हैं और क्लासिकल डांसर रही हैं, और इसको लेके उन्होंने हमेशा अपने आप को उसको प्राइड लिया है और आज भी लेती हैं। तो चूंकि उनको वो, उन्होंने एक इंडियन कल्चर को हमेशा प्रमोट किया है, तो वैजयंती माला को चुनावी टिकट नहीं देना है। वैजयंती माला फिल्मों में नहीं है, लेकिन वैजयंती माला को उन्होंने, आपको वैजयंती माला के साथ आपने उनकी फोटो देखी। इसी तरह जहां तक कंगना रनौत की बात है, देखिए बॉलीवुड तो चला गया था आपका, आप इसको माने या ना माने, बॉलीवुड आपका इट वाज अ गॉन केस। मतलब जिस तरह के पैसे अनाप शनाप उस पर खर्चे हो रहे थे, एक एक फिल्म इतनी महंगी बन रही थी, और आप सोचे कि एक एक स्टार 150, 200, 250 करोड़ रुपए ले रहा था फीस के रूप में, तो वो फिल्मों में पैसा इतना ज्यादा हो गया था, लगना लगा था, और इतना पैसा जाहिर है बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रहा था। उसमें ड्रग्स का पैसा आ रहा था, उसमें स्मगलिंग का पैसा आ रहा था, उसमें सीमा पार का पैसा आ रहा था, उसमें मिडिल ईस्ट से पैसा आ रहा था, उसमें बाकायदा एजेंडा चलाने वालों का पैसा आ रहा था। फिल्में आपको 50-60 साल में आपने देखा कि उन्होंने किस तरह एक स्टीरियोटाइप बना के आपने उनको पूरा प्रेजेंट कर दिया। मैंने इस पर बहुत लिखा है, आपको मैं आपको अपने आर्टिकल भेजूंगा, आपको अपने पीसेस भेजूंगा कि किस तरह भाई हजारों साल से एक राजवंश ने हिंदुस्तान को पोषित किया और आपने 2-4 भटके हुए राजाओं को इशू बना के, राजाओं को और ठाकुरों को और जमींदारों को आपने एकदम अत्याचारी घोषित कर दिया, ब्राह्मणों को आपने पाखंडी घोषित कर दिया, लालची घोषित कर दिया, वैश्यों को आपने बेईमान घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर दोस्त और ईमान वाले सिर्फ वही खान पठान रह गए, यारी है ईमान मेरा। तो आपने उस एजेंडे के खिलाफ, अब जब कोई शख्स खड़ा हुआ मजबूती से, कंगना रनौत ने जब वो खड़ी हुई थी, मैं अक्सर कहता हूं कि 18 साल में जब नरेंद्र मोदी नाम के आदमी ने
घर छोड़ा होगा तो उसने ये नहीं जाना होगा कि एक दिन मैं भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। अगर छोड़ा होगा तो किसी कन्विक्शन से छोड़ा होगा ना। एक 18 साल का लड़का ये नहीं जानता था कि मैं प्रधानमंत्री बनने जाऊंगा, लेकिन उसने किसी कन्विक्शन से छोड़ा, ये उसकी अपनी विचार था। इसी तरह कंगना रनौत ने जिस समय बॉलीवुड के पूरे गैंग्स को एकदम हेड ऑन ले लिया और सबकी बुरी हो गई, उनको फिल्मों से कट ऑफ कर दिया गया, उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई, तो मैं मानता हूं कि ये उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन उनको मंडी से सांसद बनाने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक अरुण गोविल का सवाल है, अरुण गोविल को मैं पर्सनली वॉच करता रहा हूं। वो थोड़ा सा उन्होंने बाकी सब लोगों से बेहतर सामाजिक एक्टिविटी दिखाई है और थोड़ा वोकल भी रहे हैं, बोलते भी अच्छा हैं। और कितना वो, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि बॉलीवुड से आए हुए लोग या फिल्मी सितारों ने, फिर वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, ज्यादातर आके इसमें संसद में निराश ही किया है। तो ऐसे में उनको तो इतनी भी समझ नहीं होती ज्यादातर लोगों को कि अगर आप बोल नहीं सकते तो बैठ के सुन भी लें, वो आते तक नहीं थे। पर ठीक है, संसद तो अखिलेश यादव भी नहीं जाते थे, संसद तो राहुल गांधी भी नहीं जाते थे, तो ठीक है। अगर उसमें सनी देओल भी नहीं जाते तो, और सचिन तेंदुलकर भी नहीं जाते और रेखा भी नहीं जाती, तो फिर क्या कहा जाए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कंगना रनौत का सवाल है, उन्होंने एक उस समय बॉलीवुड में आप एक एक इंडिक एजेंडा जिसको मैं कहता हूं उठाया, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। उनको ब्लैकलिस्ट किया गया उनको जैसा मैं कहता हूं फिल्में मिलनी बंद हुई। और बात मैसेजिंग की नहीं है, पर मुझे लगता है कि अगर एक पॉपुलर फिगर सामने आके इस तरह की बातें कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पार्टी को एकोमोडेट करना होगा। ओंकार सर का वीडियो ऑफ हो गया, पुनीर साहब कि वो एकदम कर गए। आप इस चीज में जब तक वो आते हैं तब तक आप बसपा के इस मौजूदा जो टिकटों का अनाउंसमेंट है आपने देखा होगा, और चूंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि किसी भी तरह जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम वो हैं, उनको बसपा ट्रैक करेगी, अट्रैक्ट करेगी, लेकिन अभी आपने जो लिस्ट देखी है, खासतौर से मैं जो दूसरे वाली लिस्ट देख रहा था, उसमें ज़्यादातर चाहे इधर कानपुर की तरफ हों या इस तरफ के टिकट हैं, उनसे आपको लग रहा है कि सपा बसपा एक कोई उसकी अपनी एक जीत की कोई लाइन है, और इसके साथ साथ वो किस पार्टी, किस गठबंधन को, एनडीए को या पीडीए नहीं है लेकिन एनडी गठबंधन तो है, नाम तो है उसका, तो उसको नुकसान पहुंचा रही है या किसको पहुंचा रही है? धीरेन्द्र जी देखिये, जब से ये सूची जारी हुई है तब से लगातार इस बात का एक जिक्र हो रहा है कि साहब बहुजन समाज पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी। समाजवादी पार्टी ने बहुत सफलता पूर्वक पिछले कुछ सालों में बसपा को भाजपा की बी टीम बनाने का, बताने का, ठप्पा लगाने का काम किया है। इसको लेके मैं अक्सर, मेरे कई वीडियोस हैं, मैंने कई टीवी चैनल्स पे बात किया है। लेकिन अब जब बसपा की आप सूची देखते हैं तो एक तो मेरा मानना है शाहजहांपुर के आगे वेस्टर्न यूपी में जितनी सीटें नजर आ रही हैं इनमें यादव वोट नहीं, वोट है ही नहीं, या तो बिल्कुल सिरे से नहीं है या बहुत कम है। तो वहां पे भाजपा विरोधी एक ही कॉम्बिनेशन बनता है जो संभव है। पहले तो जाट भी थे, पर अब जब जयंत चौधरी भी चले गए हैं तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, दलित और मुस्लिम। तो मायावती ने जिस तरह के मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, डेफिनेटली उन्होंने बीजेपी को टेक ऑन किया है, और समाजवादी पार्टी वहां स्टैंड भी नहीं करती जयंत चौधरी के बगैर तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप बसपा को देखें, जैसे मैं मानता हूं कि उनकी सूची जो है ओंकार जी, वो दोनों का ही, दोनों को ही चुनौती दे रही है। आप इस तरह देखें कि कैराना में उन्होंने राजपूत बिरादरी से ले आए हैं वो श्रीपाल राणा को, और कैराना में अच्छी खासी एक ठाकुर बिरादरी है। अब अगर आप, और जाहिर सी बात है वो भाजपा का वोटर है, अगर उसमें आपने 10,000-12,000 वोट भी काट दिए कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे भाजपा सिर्फ इतने ही वोट से हार जाए। फिर आप मुजफ्फरनगर में आपने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया, फिर प्रजापति पूरी तरह से इस समय भाजपा का वोटर है। इनफैक्ट भाजपा ने नॉन यादव ओबीसी में जो बड़ी सेंध लगाई है, मैंने इस पे आज बैठ के लिखा तैयार किया। फिर मुजफ्फरनगर में आपने काफी अच्छा, से मेरठ में आपने त्यागी समाज से वोट दे दिया, त्यागियों में कुछ नाराजगी भी थी भाजपा को लेकिन, हाँ, तो उनको नाराजगी भी थी प्लस, लेकिन थे अब तक वो भाजपा के वोटर।
तो आपने उनको टैप कर लिया, तो जाहिर सी बात है आपने फिर से भाजपा को वहां डैमेज किए। बागपत में आपने वैश्य समाज से बंसल को वोट दिया, तो आप जानते हैं कि जो वैश्य समाज है किसका वोटर है, तो फिर यहाँ आपको बीजेपी। फिर नोएडा में आपने फिर राजपूत को वोट दे दिया आप। अच्छा, राजपूतों में वहां थोड़ी सी नाराजगी भी है वीके सिंह का टिकट कटने से। अब जब वो जो सहारनपुर तक की पूरी बेल्ट, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, ये पूरी बेल्ट वही लगातार, तो जो राज हाँ तो राजपूतों में जो नाराजगी है उसके चलते आपने दो बड़े राजपूत टिकट देके, आपने जाहिर सी बात है आपने राजपूतों को उनकी नाराजगी निकालने का मौका दिया है। और राजपूतों की जो नाराजगी है या राजपूतों की जो एका, अभी आप घोसी उपचुनाव में आप पे भारी पड़ चुकी है, आपने देखा है कि घोसी को कैसे उन्होंने जीता। उसके बाद आप ये देखें कि मुरादाबाद में आपने इरफान सैफी को उतार दिया, वहां आपने समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया, 100% झटका दे दिया। और आप यहाँ पे सपा का खेल बिगाड़ देंगे। रामपुर में आपने जिस जीशान को खड़ा किया उसको मैं 10,000 वोट का, मतलब उस मुस्लिम वोट का जो बसपा के वोटे मिलेगा, पर जीशान वाला टिकट मुझे सबसे ज्यादा, हालांकि उनका परिवार स्थानीय स्तर पर प्रभावी है, उनके पास जिला, उनके परिवार के पास जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है। अब देखिए पंडित साहब, आप जानते होंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बहुत ज्यादा प्रभावी होती है, बहुत मैटर करती है। तो हाँ, वो सबसे कमजोर कैंडिडेट मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर एक नजदीकी चुनाव हुआ तो जीशान जो है समाजवादी पार्टी का खेल रामपुर में, वहां पे ऑलरेडी आप एक बार हार चुके हैं, तो आपको बिगाड़ सकते हैं। इसी तरह पीलीभीत में आपने जिनको अनीस अहमद को दिया है, फूल बाबू अनीस अहमद, तो हाँ, तो वो भी वहां पे उनका अपना जो मुस्लिम कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आंवला में आपने आबिद अली को दिया है, ये भी आपको सपा को झटका दे सकते हैं। हाँ, तो इस तरह कुल मिलाकर संबल में, तो कुल मिलाकर मायावती ने एक बड़ी बैलेंस लिस्ट दी है जो आपको तमाम जगह पे भारतीय जनता पार्टी को और तमाम जगह पे समाजवादी पार्टी को डैमेज करती नजर आती है। इसके अलावा मायावती ने यह भी प्रयास किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे यादव वोट ना होने के कारण और जयंत चौधरी का साथ छोड़ने के कारण समाजवादी पार्टी का कोई, जिसे कहना चाहिए कोई स्टैंड ही नहीं है वहां पे उन्होंने दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं भाजपा के फायदे में हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का एक रुझान देखा गया है। ऐसे में मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं डिवाइड हो सकता है और भाजपा को भी फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप बसपा की सूची देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत बैलेंस सूची है, और एक विपक्ष में होने के नाते जैसा एक सूची मायावती दे सकती थी उन्होंने दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं धीरेन जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। 16 की सूची पहली, इसीलिए 16 की, जी जी आप पूछिए पहले, मैं फिर आपके पास आता हूँ। नहीं, मैंने कहा कि ये सवाल मैंने आपकी तरफ से पूछा था कि बसपा की लिस्ट के बारे में। आप सब लॉग आउट हो गए थे, तो धीरेन जी साहब बॉन एंकर है, आप लॉग आउट हो गए तो उनका एंकर जाग गया और उन्होंने संभाल नहीं लिया। ये तो एक्चुअल में हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि अगर मूल एंकर गायब हो जाए किसी कारण से तो कोई ना कोई संभाल लेता है, और इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैं आपके पास इसलिए आ रहा था कि जो पहली सूची में मायावती ने 16 कैंडिडेट घोषित किए, दूसरी में 7 किए, और मैं बहुत ध्यान से देख रहा था उनमें से कुछ तो अभी कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो अनुपम जी ने बहुत खूबसूरती के साथ हमारे दर्शकों के सामने रख दिया है। मैं ये देख रहा था कि दलित, मुसलमान, ओबीसी और उच्च जाति, इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है मायावती ने, तो केवल महागठबंधन को चोट नहीं पहुंचेगी, ये कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये चोट पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। और हम जानते हैं, बहुत बरसों से चुनाव कवर करते आ रहे हैं, वेस्ट में बहुत सारी जगहों पर 20% मुसलमान हैं तो कहीं कहीं 40% हैं। तो अगर मुसलमान थोड़ा सा भी डाइवर्ट होता है बीएसपी की तरफ तो ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का 100% खेल बिगाड़ेगी। ओंकार जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम सीटें हैं, आप अगले प्रोग्राम मुझे बुला लीजिए, मैंने इस पे पूरा लिख के रखा है, मेरे पास में डेटा उपलब्ध नहीं है,
मैं होली पे घर आया हूँ, मैं उसमें तमाम सीटें हैं जहाँ पे दलित और मुस्लिम, जहाँ पे दलित और मुस्लिम मिलके 50%, 52%, 55%, 60%, 65%, 70%, 72% तक होते हैं, उन्हें कोई और वोट चाहिए ही। जी जी बिल्कुल जी। दरअसल इस अगर लिस्ट को आप नहीं, मैं एक्चुअल में पूछ ही रहा था, क्योंकि जो ट्रेंड है ना पिछले कुछ समय के, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, मुर्शिदाबाद की, सागर दीघी का, ये थोड़ा सा कुछ और संकेत दे रहा था कि मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं 2024 के मद्देनज़र, और उसी मजबूरी में, उन्हीं संकेतों की वजह से अखिलेश यादव ने भी मजबूरी में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। तो मुस्लिम अगर उनके साथ खड़े रहे तब तो मायावती की जीत मुश्किल होगी, लेकिन जहां उनको सूट किया और ऐसे कैंडिडेट की तरफ वो चले गए तब तो इनका खेल बिगड़ेगा। एक एक अगर धीरेन्द्र जी अगर आ गया तो एक बात मैं अपनी कह लूं, ये अक्सर इस तरह की बात होती है, मुसलमान इसकी तरफ जा रहा है, मुसलमान उसकी तरफ। मैं खुद कहता रहा हूं कि मुसलमानों का समाजवादी पार्टी से पूरी तरह मोह भंग हो गया है 14, 17, 19, 22, मतलब वो उन्होंने देख लिया कि सब आपके बस का नहीं है, हमने आपको इतना वोट दिया और आप एक ही आपसे तवक्को थी कि आप भाजपा को रुके, आप नहीं रुक पाए। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, मैं ये भी हमेशा कहता रहा हूं कि सब सीट टू सीट बेसिस मुसलमानों का वोट का सिर्फ एक ट्रेंड और सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक तरीका है कि किस सीट पर भाजपा को कौन हरा रहा है। एक लाइन में समझ लीजिए, फिर वो आप यहां से लेके गाजियाबाद से लेके चंद्रमा तक वोटिंग करा लीजिए, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड है, दूसरा ट्रेंड नहीं है। अब आप प्लीज धीरेन्द्र जी प्लीज कंटिन्यू। जी जी नहीं, मतलब ज्यादातर हिस्सा कवर किया है मुझे लगता है कि अनुपम जी ने, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि मायावती की इस बार की लिस्ट जो है, मुझे लगता है 22, 19, 17 इन सब चुनावों का एक नया एक्सपेरिमेंट मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो इस बात को आप देखेंगे, अगर आप पहले देखेंगे तो एक इम्बैलेंस व्यू दिखता था जिसमें वो पूरी तरह से मुस्लिम पर बैंक होती थी, अगर वेस्टर्न यूपी की आप लिस्ट देखते हुए चलेंगे पिछली बार या तमाम की। इस बार उन्होंने बाकी तमाम को न केवल लिया है बल्कि ये कोशिश की है कि जो बिखरा हुआ बिना किसी बहुत ज्यादा शोर के, बिना बहुत ज्यादा तामझाम के, वो जो बेसिक चेंज है, जो सोशल समीकरणों को बैठाने की एक कोशिश और कवायद है, जिसको लंबे समय से मुझे लगता है, जो मैं आपसे बता भी रहा था कि जो बीजेपी के अंदर अब जो महसूस कर रहे हैं वो उनके अंदर आई हुई थी, उस पार्टी के अंदर भी, कि हम जिसको दे देंगे वोट उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये एक बड़ा विचित्र आइडिया हो जाता है जब कोई सत्ता में, मतलब जिसको ये यकीन हो जाता है, चूंकि पिछले कुछ समय से जातीय समीकरण तोड़ने में बीजेपी बहुत काफी सफल रही है और उसने जातीय राजनीति का एक समीकरण जो है यूपी में गड़बड़ा दिया, तो मुझे लगता है उसके बीच में ये सबसे बेहतर कोशिश हो सकती है जो इस समय बसपा की ओर से मायावती ने अपने टिकट में की है, वो ये हो सकती है कि उस बैलेंस को वो अपने मुताबिक थोड़ा सेट करके इस चुनाव में अपनी भूमिका दिखा सकें। और इस बार उनकी सबसे बड़ी भूमिका ये होगी कि वो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उसको नेस्तनाबूद किया जा सके, ताकि उसको ये एस्टेब्लिश कर सके कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ अपने दम पे समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को जिंदा नहीं रख सकते। अगर वहां उनको बीजेपी को रोकना है तो बीएसपी का साथ लेना होगा, क्योंकि उनके पास बाकी जातियों का समुच्चय आता है। अगर आप ये बात देखें जो अनुपम जी ने की थी, मैं वहीं से आगे ले जा रहा हूं कि मुस्लिम वोट अगर आप हटा लेते हैं समाजवादी पार्टी के वोटिंग पैटर्न से, सिर्फ आप मुस्लिम वोट गायब कर दीजिए, तो फिर आप उसका चेहरे से स्क्रीन लेते चले आइए सहारनपुर से मैनपुरी तक, वहां सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप मैनपुरी एटा इटावा में घुसते हैं या फिर आजमगढ़ के उन हिस्सों में जहां आपको यादव दिखाई देते हैं, इसके अलावा वो पार्टी कहीं आपको दिखाई नहीं देती है। इसके उलट जब बीजेपी का बसपा का पैटर्न आप लेते हैं तो वो आपको लगातार सब तरफ से सहारनपुर से
जहां 30-31% और वहां तो एक ऐसी सीट है जहां पहले विमला राकेश लगातार 8-7 बार जीती, सुरक्षित सीट थी नागर, लेकिन उसके बाद आपने देखा खुद मायावती वहां सहारनपुर की एक सीट से जाके लड़ी और जीतती रही, बड़ी ताकतवर वोटों से लड़ी। तो मेरा ये मानना है कि ये लिस्ट एक कोशिश है ये बताने की कि जातीय आधार सिर्फ नहीं, मुस्लिम वोट हमारे पास सिर्फ मुस्लिम को इसलिए नहीं आना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ दलित है, हमारे पास जातियों का एक गुलदस्ता है जो 2007 में जिसके साथ बहुत लंबे अरसे बाद बीजेपी को एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। तो मुझे लगता है नुकसान ज्यादा इस बार वो पीडीए को साइलेंटली करना चाहती है और मैसेज देना चाहती है कि विपक्ष में अगर कोई है बीजेपी के खिलाफ तो मेरे पास एक बेटर कॉम्बिनेशन। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार।